की रात्रि का कौन सा तमाशा लगा है, क्योंकि काफी लोग बोला करते कि भैया तमाशा पूरा देखे लेकिन नाम न जाने पावा। तो दोस्तों तमाशे का नाम है झूठा इल्जाम। झूठा इल्जाम कर्तार मंत्री और फटाकू भैया। एफएम माइक जौन लिए हो दई दे, एफएम माइक हमारा हाँ, एफएम माइक जिसके पास हो वो पकड़ के सिंघार घर में ध्यान दे, सभी लोग ढूंढ ले। आ लीजिएगा, यही से तमाशे का सीरियल चालू किया जाता है। बाई बलिदास सावधान महाराज जी पधार रहे हैं, सावधान महाराज जी पधार रहे हैं। वाह बहादुरों, आज तुम दोनों के कार्य को देखकर हम तुम दोनों से अति प्रसन्न हैं। अरे दशाशासन कैसी प्रजा की क्या अवस्था है, और कहो राय दरबारी हमारे राय दरबार की क्या। अरे दशाशासन की है अच्छी, दशाशासन की है अच्छी, प्रजा पे यही गुजरती है। लोग जिस रैयत पे जाते हैं प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है, प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। महाराज जी आपके राज में, महाराज जी आपके राज में नहीं चलती किसी की मनमानी, शेर और बकरी पी रहे घर। वाह बहादुरो, राज सेवक जी सर, तुम्हें मालूम नहीं ये सूरतगढ़ शहर है जी हुजूर। ये सूरतगढ़ शहर है, और सूरतगढ़ शहर के हम महाराज भरत सिंह हैं। महाराज भरत सिंह की जय, महाराज भरत सिंह की जय, महाराज भरत सिंह की। राजसेवक जी हुजूर, आज तुम दोनों के कार्य को देखकर ये महाराज भरत सिंह तुम दोनों से कुछ कहना चाहते हैं। हमसे क्या कहना चाहते हैं महाराज जी, ऐसी कौन सी बात है। राजसेवक जी हुजूर, और तेरा जल जी हुजूर। जब जब हम राय दरबार में आते हैं तो सिर्फ तुम दोनों ही नजर आते हो जी हुजूर। ये बताओ इस वक्त महामंत्री नजर नहीं आ रहे हुजूर। आप तो जानते हैं कि हम दोनों भाई की ड्यूटी हमेशा इसी राज दरबार में लगी रहती है, और मंत्री साहब हैं तो रैयत की देखभाल करते हैं,
जैसे वो रोज रैयत की तरफ जाते थे वैसे आज सुबह उठे और रैयत की तरफ चले गए हुजूर। महाराजसेवक तत्काल आवाज लगा दो, जहां कहीं भी महामंत्री रघु सिंह दिखाई दे या मुलाकात हो जाए तो उनसे कहना तत्काल महाराज जाय दरबार में तुम्हें याद कर रहे हैं। जी हुजूर, आप आराम कीजिए, हम अभी तुरंत बुलाते हैं। ए भाई, ए भाई, ऐसा गिन जाए मैं आवाज लगा दो तो कोहरा ले। अबे दोनों बात एक ही है। अच्छा दोनों एक ही है। हाँ चल, अच्छा मैं कोहरा ले तू। हाँ घोरा, ऐलान सुनिए गौर से, फिर बातें करिए किसी और से। मंत्री राघव सिंह दरबार में हाजिर हो। कौन है बे? साहेब गुड मॉर्निंग। जब गुड मॉर्निंग होता कि गुड मॉर्निंग होता है? गुड मॉर्निंग। कैसे गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहा है? बात यह है कि महाराज जी आपको पाद कर रहे हैं। याद किया होगा साले? हाँ याद कर रहे हैं, आप तुरंत चली आओ। तू वही ठहर। हाँ आता हूँ। ओके। और पुल पुल बाहर कुल में अरे चहती जरूर तुझे मालूम है क्या कि मेरा नाम क्या है और मेरा वसूल का है? आपका नाम क्या है? नहीं मालूम। ये रात सूरतगढ़ है और मेरा नाम राघव सिंह है। आपका नाम भादो सिंह है? राघव सिंह बोल। राघव सिंह दरबारिया बोल। मोर मेहरिया गलती हो गई साहेब। मैं तेरी वाइफ नजर आता हूँ। गलती हो गई साहेब। कैसी गलती बे? गलती हो गई साहेब कि मैं जब यहाँ से घर जाते हूँ खाए पिए को होश नहीं रह सो जाते हूँ, फिर मो मेहरिया के दरबारिया तो कह देते हैं बोल मोर मेहरिया। हराम जादे, ये तेरा मकान नहीं है, यह महाराज फरासी का राज दरबार है और यहाँ बदतमीजी नहीं होती। ओके 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 बोल। ओके काय के लिए आवाज लगाया? आवाज इसलिए लगाया हूँ कि तुम कहूँ जाए कहे कहा यही अगर तू बदतमीजी से पास नहीं आएगा
तो रखो कतभी केवल हाथ उठा है साले, क्या हो गया? दरबारी हरिराम बोलो मेरी जान, मैं तेरी जान हूँ साले, कैसा तेरी जान हूँ? एक मिनट कहनो है मोर जान, भैया मैं आज आवत थोड़ी रहे, मोर भूखन के मारे जान निकरे घर में, ई कहे दरबारी क्यों नहीं जाएगा? मकान साहेब भूखन के मारे मोर जान निकरे थी, कहे 20 रुपया ले ले जाके फलाने जगह और जाके जौन खाए को खा ले ड्यूटी में आओ। भैया मैं 20 रुपया लिए 4 समोसा खाओ, 10 बाल्टी पानी पियो, जब मोरे जान में जान आई तुम मोर जान, इसलिए मैं तेरी जान हूँ। अब की है बंदूक उठा, अरे जब तुम्हारा टूट जाए मोल ले ली, चल हमें महाराज भरत सिंह के पास ले चल, तो चलती हूँ ना, आज साले चलते हो ना, बोल चलते हो मेरे साथ, प्लीज जब तुमको जो हम पूछेंगे उस बात का उत्तर हमें दोगे। महाराज ये राघव सिंह आपका गुलाम है, आपके एक इशारे पे ये राघव सिंह अपना सर कटा सकता है। अरे फिर वो कौन सी बात होगी जो राघव सिंह तुमसे नहीं बताए? और वो क्या बात है कहो, प्रजा की क्या कहानी है, क्या बात है मंत्री, प्रजा की क्या कहानी है, सब कीजिए सारा रैयत की क्या करानी। महाराज महामंत्री हम जानना चाहते हैं क्या हमारी प्रजा और हमारी रियासत का क्या शुभ समाचार? महाराज आपको तो खुद ही पता है कि आपकी सूरत रियासत में इंशाला काल पड़ चुका है महाराज, लेकिन आपकी रैयत और ये आपकी प्रजा इस समय किस साल में है मैं बताऊंगा। सुनो महाराज, और ये रैयत आपकी अभी सभी खुशहाल है और सदा
के जे और दूर कर दू गसारी परेशानिया और इस समय ये खड़ा राघो सिंह कह रहा गुलाम के लिए और कोई आदेश? हम तुम्हें आदेश देते हैं, या तो खुद फोन कर दो या राज दरबारियों से फोन लगवा दो कि सेनापति जब से यहाँ से सीमा सरहद बॉर्डर पर कार्यरत है वहाँ का कोई शुभ समाचार हमें प्राप्त नहीं हुआ। क्या चाहते हैं महाराज? तत्काल फोन कर दो कि सीमा सरहद को जवानों को अलर्ट करके तत्काल सेनापति उत्तम सिंह राय दरबार में हाजिर हो जाए। आशंका ग्रहण कीजिए महाराज।